नमस्कार साथियों, प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं योगराज सिनोगिया फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे जहां हम एनिमल किंगडम के बारे में बात कर रहे थे। एनिमल किंगडम के अंतर्गत हमने अब तक प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटा हेलमेंथी संघ के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम अपने अगले संघ के बारे में बात करेंगे जहां हम बात करेंगे एस्के हेलमेंथीज के बारे में। एस्के हेलमेंथीज जो संघ है जिसे निमेटा हेलमेंथीज कहते हैं, इसे राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे सूत्रकर्मी भी कहते हैं। तो आज हम एस्के हेलमेंथीज संघ के जो क्रेक्टर है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि संघ को राउंड वर्म क्यों कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस संघ के बारे में कि एस्के हेलमेंथीज जो संघ है, यह जो संघ नाम है, सबसे पहले जो यह संघ नाम है वो किसने दिया? ग्रोपन ने दिया। किसने दिया? ग्रोपन ने दिया। तो हम चर्चा करेंगे एस्के हेलमेंथीज जो संघ नाम है वो किसने दिया, यह ग्रोपन नामक वैज्ञानिक ने इस संघ का नाम दिया। निमेटा हेलमेंथीज संघ नाम, यह संघ नाम गेगनबार नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? गेगनबार। गेगनबार नामक वैज्ञानिक ने इस एस्के हेलमेंथीज संघ को निमेटो हेलमेंथीज संघ नाम दिया। ये जो जीव होते हैं वह अंगतंत्र स्तर के होते हैं। जैसा कि हम बात करता है कि प्रत्येक जीवों के अंदर जीवद्रव्य स्तर की कोटि, या हमने कहा उत्तक स्तर, कोशिका स्तर की कोटि और अंग स्तर की और अंगतंत्र स्तर की कोटि पाई जाती है, उसी प्रकार हमने बात की कि एस्के हेलमेंथीज संघ के जीवों के अंदर अंगतंत्र स्तर की कोटि पाई जाती है। जीवों का जो शरीर होता है, हमने कहा कि एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होता है और एक कोशिका के द्वारा जब संगठन होता है तो उसके द्वारा उत्तक बनते हैं और उत्तकों के द्वारा अंग और अंग से अंगतंत्र बनता है। इस प्रकार सरलतम जीवों से जटिलतम जीवों का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जो निमेटा हेलमेंथीज संघ के जो जीव होते हैं उनमें जीवद्रव्य स्तर की जो कोटि होती है वह अंग तंत्र स्तर की होती है। तो प्रश्न पूछा जाए कि एस्के हेलमेंथीज संघ के जो जीव होते हैं वह किस कोटि के होते हैं? अंग तंत्र स्तर की कोटि के होते हैं। बात करते हैं हम देवगुहा के बारे में। इस संघ के जीवों के अंदर कूट गुहा पाई जाती है जिसे स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि एस्के हेलमेंथीज संघ के जीवों में किस प्रकार की देवगुहा पाई जाती है? वो पाई जाती है कूट गुहा या स्यूडोसिलोमेट प्रकार की देवगुहा पाई जाती है। जैसे हमने कहा कि सिलोम के आधार पर जीवों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, एसिलोमेट, इसके अलावा हमने कहा स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। तो हम कह सकते हैं कि एस्के हेलमेंथीज संघ के प्राणी जो होते हैं उनमें कूट गुहा स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है। इन जीवों में जो शोषण होता है वह अवायवीय शोषण पाया जाता है, जबकि उनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार की जिन्हें कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, जो एक आकार का जो तंत्र होता है और इस तंत्र को क्या कहते हैं? इस तंत्र को हम कहते हैं रेनेट तंत्र। ठीक है, तो हमने कहा कि एस्के हेलमेंथीज संघ के जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए एच आकार का तंत्र पाया जाता है जिसे रेनेट तंत्र कहते हैं और इसे प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे उत्सर्जन नाल भी कहते हैं। पोषण के आधार पर जो ये जीव होते हैं वह परजीवी होते हैं, परजीवी प्रकार से भी हो सकते हैं, मर्तोपजीवी। परजीवी का मतलब होता है इसमें जो पोषक होस्ट सेल होती है, जो परपोषी होता है, हम बात करते हैं जो परपोषी होता है वह परपोषी जीवित रहता है तथा इस जीवित जीव पर यह जीव आश्रित रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी या मर्त कार्बनिक भागों से भी यह पोषण प्राप्त कर सकता है और इसके अलावा जो स्वतंत्र जीवी के रूप में भी यह अपना अन्य जीवों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात हो गई एस्के हेलमेंथीज के कुछ करैक्टर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं जो एस्के हेलमेंथीज संघ के जीव होते हैं उनमें खंडीभवन नहीं पाया जाता। जैसे हमने कहा था कि ज्यादातर संपूर्ण जीवों के अंतर्गत, जैसे हमने कहा एनेलिडा संघ के अंतर्गत, केचुए के अंतर्गत शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं, लेकिन एस्के हेलमेंथीज संघ के जीवों में
खंडी भवन नहीं पाया जाता। इनका जो शरीर होता है वह खंडों में विभाजित नहीं होता। इसके अलावा हमने कहा एस्केल्मेटी संघ के जो जीव होते हैं उनमें द्विपार्श्व समिति पाई, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और द्विपार्श्व समिति का तात्पर्य होता है कि ये जो जीव होते हैं उन्हें समान निश्चित अक्ष से समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बायलेटरियल होते हैं। इनकी देह भित्ति पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का जमाव पाया जाता है। क्यूटिकल के जमाव का तात्पर्य यह है कि ये जो जीव होते हैं वह परजीवी के रूप में और अंतर परजीवी के रूप में सजीव कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। तो ये क्यूटिकल का जो आवरण होता है वह जब किसी अन्य जीव के शरीर में ये उपस्थित होते हैं तो ये क्यूटिकल का आवरण एस्केल्मेटी संघ के जीवों को नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है। इसका मतलब ये क्यूटिकल का जो आवरण होता है वह इन जीवों पर रक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एस्केल्मेटी संघ के जीवों में जो रक्षात्मक आवरण होता है वह किससे निर्मित होता है, वह क्यूटिकल अधिचरण से निर्मित होता है जो इन जीवों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और अंतर परजीवी होने के पश्चात भी ये जीवों के भीतर क्या होते, नष्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी के हिसाब से जन्म, हमने कहा लैंगिक जनन के आधार पर अगर हम कहें तो ये जीव एक लिंगी होते हैं। नर व मादा जननांग इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, नर और मादा में विभेदन पाया जाता है। नर व मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। इन जीवों में अप्रत्यक्ष भ्रूण परिवर्तन पाया जाता है, अर्थात इन जीवों में जब ये लार्वा से वयस्क बनते हैं तो इनके जीवन काल में लार्वा अवस्थाएं उपस्थित होती है। और लार्वा अवस्था की उपस्थिति होने के कारण हम कह सकते हैं इस संघ के जीवों में अप्रत्यक्ष परिवर्तन या अप्रत्यक्ष भ्रूण परिवर्तन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, जैसे इन्हें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं उनमें नर और मादा में विभेदन पाया जाता है। एस्केरिस में जैसे हमने कहा एस्केरिस के बारे में है, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस का एक डायग्राम दिया हुआ है। तो जो नर प्राणी होता है उसका जो ये सिरा होता है वह अपश्चरा घुमा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा होती है वह आकार में बड़ी होती है और गोलाकार होती है और नर की तुलना में यह मोटी होती है। तो नर व मादा में क्या होता है, विभेदन पाया जाता है। नर व मादा प्राणी के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं वह भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बात की इसके शरीर पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण, क्यूटिकल का क्या पाया जाता है, रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। अग्रभाग पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। और इस माउथ के द्वारा यह परपोषी कोशिका से चिपकने का कार्य कह सकते हैं या अंतर परजीवी के रूप में अन्य जीवों से पोषण प्राप्ति करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो आहार नाल होती है वह पूर्ण प्रकार की पाई जाती है, श्वसन इसके अंदर श्वसन की जो क्रिया होती है वह अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है और इनमें रेक्टम पार्ट मतलब गुदा द्वार इनमें उपस्थित होता है जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। तो हम बात करें इस संघ में मुख्य रूप से संवेदी अंग पाए जाते हैं और संवेदी अंगों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। इसका पहला जो वर्ग होता है वह होता है एफ एस मीडिया। पहला वर्ग जो होता है वह इसमें होता है एफ एस मीडिया। और एफ एस मीडिया जो होता है उनमें संवेदी अंग होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल इसमें है ट्राइबोलस जिसे एनोप्लास कहते हैं। और दूसरा वर्ग होता है फेस मीडिया जिनमें संवेदी अंगों की उपस्थिति पाई जाती है, जिनमें एग्जाम्पल है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस
वाउचेरिया, वाउचेरिया जो है उसके द्वारा मानव के अंदर हाथी पाव जिसे एलिफेंटेसिस रोग कहते हैं, या फाइलेरिया जो कर्मी होता है, फाइलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें सजीव प्राणी की लसिका ग्रंथियों में सूजन उत्पन्न हो जाती है और सजीव प्राणी के जो शारीरिक अंग होते हैं उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये आज हमने बात की एसके हेलमेंटिस संघ के बारे में। इसके बाद जो अगला बड़ा संघ आता है वह आता है मोलस्का संघ। मोलस्का जो संघ के प्राणी होते हैं इनकी विशिष्ट विशेषताएं होती है, और मोलस्का संघ का जो तात्पर्य है वो होता है कोमल गुठली वाले प्राणी, कोमल गुठली वाले प्राणी। जैसा कि बताया गया है हम बात कर सकते हैं कि मोलस्का का तात्पर्य जो होता है वह कोमल गुठली प्राणी होते हैं, अर्थात इन जीवों के शरीर के ऊपर, इनका शरीर जो होता है वह लसलसा प्रकार का हो सकता है और इनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। तो हमने कहा मोलस्का संघ का जो तात्पर्य है वह है कोमल गुठली वाले प्राणी। आर्थ्रोपोडा, जैसे हमने कहा जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है वह हमने कहा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है वह मोलस्का होता है। जंतु जगत का जो तीसरा सबसे बड़ा संघ है वह प्रोटोजोआ संघ है जिसमें 15,000 जातियां पाई जाती है। यह हम बात कर रहे हैं मोलस्का संघ के। तो आर्थ्रोपोडा संघ के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा जंतु जगत का जो संघ है वो कौन सा है? मोलस्का संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। तो हमने बात की आर्थ्रोपोडा संघ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है वह कौन सा है? मोलस्का है। कौन सा है? मोलस्का। यह मोलस्का संघ जो सदनाम है, मोलस्का जो सदनाम है वो सबसे पहले किसने दिया? जोनस्टन ने दिया। जोनस्टन ने सबसे पहले इस संघ के प्राणियों को मोलस्का संघ के अंतर्गत व्यवस्थित किया और इसे मोलस्का संघ नाम दिया। संगठन स्तर की अगर कोटि की बात करते हैं तो ये जीव होते हैं वह अंगतंत्र स्तर के होते हैं, अर्थात इनमें भी सम विभाजन के लिए शरीर के अंतर्गत अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अतः इनमें अंगतंत्र स्तर की जो कोटि होती है वह पाई जाती है। सम्मिति बायलेटेरियन होते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, अर्थात इन जीवों को भी किसी निश्चित अक्ष से समान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि हमने बात की कि जो देवगुआ है वह इसके अंतर्गत यूसिलोमेट, अर्थात ये प्राणी होते हैं वह प्रगुहीय होते हैं। इन जीवों के अंतर्गत हमने कहा वास्तविक गुहा पाई जाती है, और जैसा कि हमने बताया था कि वास्तविक गुहा भी जो यूसिलोमेट प्राणी होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साइजोसिलोमेट जिसे हमने दीर्ण गुहा कहा, और एक हमने कहा एंटीरोसिलोमेट जिसे हमने आत्र गुहा कहा। तो हम बात कर पाते हैं कि जो मोलस्का संघ के प्राणी है मोलस्का है, इसके अलावा हमने बात की एनेलिडा है, इसके अलावा हमने बात की आर्थ्रोपोडा है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें जो देवगुहा होती है वह यूसिलोमेट होती है, अर्थात ये जो है वह कैसे होते हैं? प्रगुहीय प्राणी होते हैं, लेकिन यूसिलोमेट में जो इनमें गुहा पाई जाती है वो कौन सी होती है? दीर्घ गुहा इनमें पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? साइजोसिलोमेट। कौन सी गुहा पाई जाती है? साइजोसिलोमेट गुहा पाई जाती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि जो यूसिलोमेट जो गुहा होती है उस यूसिलोमेट गुहा के अंतर्गत जो दीर्घ गुहा होती है वह किस संघ की विशेषता है? तो हम कह सकते हैं कि मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में दीर्घ गुहा साइजोसिलोमेट पाई जाती है, और इसके अंतर्गत जो देवगुहा बनती है उनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे हमने बात बताई थी कि संघ के प्राणियों में एक्टोड्रम और एंडोड्रम के मध्य में मेसोड्रम की यहां पर दो कोशिका, इस प्रकार से कोशिका बनती है, और ये जो वास्तविक जो गुहा होती है इसी गुहा को क्या कहते हैं? हम दीर्घ गुहा कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मोलस्का संघ के प्राणियों में गुहा कौन सी होती है? यूसिलोमेट प्रगुही होते हैं, लेकिन यूसिलोमेट में भी कौन सी गुहा होती है? साइजोसिलोमेट या दीर्घ गुहा पाई जाती है। भ्रूण परिवर्तन के अंतर्गत इन जीवों के अंतर्गत हम बात कर पाते हैं तीनों जल स्तर पाए जाते हैं, और तीनों जल स्तरों की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक करते कहते हैं, अर्थात ये जीव त्रिकोण की होती है। इसके अतिरिक्त
जब इनमें भ्रूण का परिवर्धन होता है तो भ्रूण के परिवर्धन के अंतर्गत इनमें छिद्र बनता है, जैसे हमने बात की एक्टोड्रम, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम जो स्तर बनते हैं, तो इस स्थान पर एक छिद्र बनता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहेंगे? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जिसे हम कहते हैं कोरक छिद्र। क्या कहेंगे? कोरक छिद्र। तो हमने कहा कि ये जो ब्लास्टोपोर छिद्र होता है, ये जो ब्लास्टोपोर छिद्र होता है, इस ब्लास्टोपोर छिद्र के द्वारा यदि किसी जीव के अंदर मुख का निर्माण पहले होता है, अगर इस ब्लास्टोपोर छिद्र के द्वारा भ्रूण परिवर्धन के अंतर्गत मुख का निर्माण पहले होता है तो ऐसे जीव को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। और यदि इस कोरक छिद्र के द्वारा गुदा का निर्माण होता है तो ऐसे जीव को हम कहते हैं ड्यूटेरो, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि भ्रूण परिवर्तन के दौरान जो ब्लास्टोपोर कोरक छिद्र बनता है, इन जीवों में इस ब्लास्टोपोर छिद्र के द्वारा किसका निर्माण होता है? मुख का निर्माण होता है। इसलिए इस संघ को किसमें रखा गया है? प्रोटोस्टोमिया में रखा गया है। इसे क्या कहते हैं? आद्यमुखी जीव कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि भ्रूण परिवर्तन के अंतर्गत मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर मोलस्का संघ के जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है, कैसे जीव कहलाते हैं, वह प्रोटोस्टोमिया जीव कहलाते हैं। तो प्रोटोस्टोमिया का तात्पर्य यह है कि भ्रूण परिवर्धन के अंतर्गत यदि ब्लास्टोपोर कोरक छिद्र के द्वारा अगर मुख का निर्माण होता है तो ऐसे जीव को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, और यदि कोरक छिद्र के द्वारा गुदा का निर्माण होता है तो उसे ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। इन जीवों के अंतर्गत हम बात कर पाते हैं, खंडीभवन पाया जाता है, अर्थात जो शरीर होता है वह सिर में, पाद में और शरीर इसका विभाजित होता है, तो इनमें वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। और इन जीवों के ऊपर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसे मेंटल या प्रवार कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं जैसे डायग्राम के बारे में, देखिए, तो जैसे हमने कहा ये पाइला है और पाइला के ऊपर यहां हम बात कर सकते हैं, इनका जो शरीर है, इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का ये आवरण पाया जाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण को हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं या प्रवार कहते हैं। इनका जो शरीर है ये शरीर विभाजित होता है जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं, ऊपर हमने कहा मुख है या सिर है, ठीक है, और ये है पाद है, ठीक है। यहां पर हमने कहा ये क्या है? प्रवार है, मेंटल है। तो इनका शरीर विभाजित होता है तो इनमें खंडीभवन पाया जाता है। तो ये हम बात करते हैं संलग्न में क्या है, यह है संगीका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनके शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है जो खोल के रूप में होता है और वह इस जीव को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी संरचना को क्या कहते हैं? मेंटलिया प्रवार कहते हैं। लेकिन कुछ विशेष विशेषताएं भी इस वर्ग में पाई जाती है और उस विशेषताओं में हम बात करते हैं। मोलस्का संघ के जीवों के अंतर्गत भोजन को काटने के लिए, भोजन को चबाने के लिए, काटने के लिए विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो मोलस्का संघ में जीवों में भोजन को काटने के लिए जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम रेतनांग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको रेतनांग कहते हैं या उसे रेडुला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि मोलस्का संघ के जीवों में भोजन को काटने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, उसे हम रेतनांग कहते हैं या रेडुला के नाम से उसे जाना जाता है। इसके अलावा इस संघ के जीवों के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की क्रिया के लिए उत्सर्जन अंग के रूप में भोजनस के अंग पाए जाते हैं और इस अंग को हम क्या कहते हैं? केबर के अंग के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि
आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है और वह कौन सा अंग है? केबर का अंग या बोजिनस का अंग होता है। ये जीव जो होते हैं वह साधारणतः रात्रिचर होते हैं और यह कैसे होते हैं? पोषण के आधार पर शाकाहारी एवं रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी और रात्रिचर होते हैं। ये जो जीव होते हैं वह लैंगिक जनन के आधार पर कैसे होते हैं? उभयलिंगी। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअलिटी में पाई जाती है। नर व मादा जननांग होते हैं वह एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। इन जीवों के अंतर्गत बाह्य निषेचन पाया जाता है, अर्थात युग्मकों का जो सलिन होता है वह एक विशिष्ट जलीय माध्यम में संपन्न होता है। तो इन जीवों के अंतर्गत बाह्य निषेचन होता है जिनमें नर व मादा युग्मकों को जल के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है और बाह्य निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। तो इन जीवों में बाह्य निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इन जीवों में अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है क्योंकि भ्रूण परिवर्तन के दौरान इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है और लार्वा अवस्था की उपस्थिति के कारण इन जीवों में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है और इनमें जो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है वह होती है वेलिजर लार्वा अवस्था और ग्लूकोडियम लार्वा अवस्था। पूछा जाए कि मोलस्क संघ के जीवों के अंदर पाए जाने वाली लार्वा अवस्था का नाम बताइए, कौन सी है? वेलिजर और ग्लूकोडियम लार्वा अवस्था। महत्वपूर्ण विशेषता है, मोलस्क संघ के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और खुला परिसंचरण तंत्र के लिए इनके अंतर्गत शरीर में खुले रक्त कोष्ठ पाए जाते हैं। इन खुले रक्त कोष्ठों को हीमोसील गुहा कहते हैं। हीमोसील गुहा के अंदर रक्त स्वतंत्र रूप से बहता है। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मोलस्क संघ के जीवों में खुला परिसंचरण पाया जाता है, लेकिन इसका विशेष वर्ग है जिसे कहते हैं सिफेलोपोडा। कौन सा हमने बात की? सिफेलोपोडा वर्ग के अंतर्गत। सिफेलोपोडा वर्ग जो होता है इसका, उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बहुत ही अच्छा यहां से प्रश्न आता है कि मोलस्क संघ के किन जीवों के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? कटल फिश में, ऑक्टोपस में, नॉक्टिपस में और लोलिगो में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि मोलस्का में कौन सा तंत्र होता है? इनमें खुला परिसंचरण तंत्र। कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। केवल इसमें केवल एक ही वर्ग होता है जिसे सिफिलोपोडा वर्ग कहते हैं, जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये जो जीव होते हैं, रक्त जिन खुले कोष्ठों में बहता है उसे हीमोसील गुहा कहते हैं और इन जीवों के अंतर्गत रक्त का जो रंग होता है वह नीला होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मोलस्क संघ के जीवों के अंदर जो रक्त का नीला रंग है वह किस वर्णक के कारण होता है? तो इस संघ के अंतर्गत एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण, हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण इस वर्ग के जीवों का जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है? नीला होता है। और ये नीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? कॉपर तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मोलस्क संघ के जीवों में जो श्वसन वर्णक होता है वो कौन सा है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का जो नीला रंग होता है वह किस अकार्बनिक खनिज तत्व के द्वारा होता है? वह कॉपर तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो कॉपर तत्व की उपस्थिति के कारण इसके अंतर्गत जो रक्त वर्णक जो होता है हीमोसाइनिन, या हम कह सकते हैं कि इनमें नीला रंग शाही ग्रंथियों के द्वारा भी होता है, इस हीमोसाइनिन को हम क्या कहते हैं? शाही ग्रंथियां भी कहते हैं। हीमोसाइनिन शाही ग्रंथियों के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? इनमें नीला होता है। और हमने कहा कि इनमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन मोलस्क संघ का एक वर्ग कौन सा है? सिफेलोपोडा। और सिफेलोपोडा वर्ग के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और यह बंद परिसंचरण तंत्र कौन कौन से, इसके विशेष जो एग्जाम्पल होते हैं वह कौन से? इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कटल फिश, ऑक्टोपस, नॉक्टिपस और लोलिगो। इन सभी जंतुओं के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यह हम बात कर पा रहे हैं इस मोलस्क संघ के जीवों के बारे में। इस
जीवों को श्वसन अंग, जैसे हम बात कर पाते हैं कि इन जीवों के अंतर्गत श्वसन अंग विशेष प्रकार के होते हैं। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वह विशेष रचना गिल्स के द्वारा और टिनिडियम संरचना के द्वारा होता है। तो पूछा जाए कि श्वसन किनके द्वारा होता है, श्वसन के लिए विशिष्ट जो कोशिकाएं है वह कौन सा है, गिल्स और टिनिडियम के द्वारा इनमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। मोलस्का संघ को गमन अंग के आधार पर, शरीर पर कवच की उपस्थिति के आधार पर और श्वसन अंग के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में, 6 वर्गों में बांटा गया है। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोप्लेगोनोफोरा के बारे में। इसका जो पहला वर्ग है वो कौन सा है, मोनोप्लेगोनोफोरा, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है नियोपिलियाना के बारे में। किसके बारे में, नियोपिलियाना के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है नियोपिलियाना। नियोपिलियाना को हम क्या कहते हैं, एनेलिडा और मोलस्का संघ के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनेलिडा और मोलस्का संघ के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, नियोपिलियाना को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नियोपिलियाना होता है इन जीवों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है जो कि मोलस्का संघ की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है, मोलस्का संघ की विशेषता है। लेकिन इनका शरीर आंतरिक रूप से क्या होता है, खंडों में विभाजित होता है और खंडों में विभाजित होने के कारण ये किसकी विशेषता है, यह एनलिडा संघ की विशेषता है। तो शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण की उपस्थिति और शरीर में क्या पाया जाता है, खंडीबोन जो एनलिडा की विशेषता होती है, इसी आधार पर इस नियोपिलियाना को एनलिडा और मोलस्का संघ के बीच की योजक कड़ी कहते। प्रश्न पूछा जाए कि एनलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, नियोपिलियाना को कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे इस पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण उपस्थित होता है जिसे मेंडलो प्रावार कहते हैं और शरीर में क्या पाया जाता है, खंडी बोन पाया जाता है। दूसरा जो इसका वर्ग है वो है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा का तात्पर्य है कि संघ के जीवों में जो गमन की क्रिया होती है, वह पाद के द्वारा होती है। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर गमन पाद पाया जाता है और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वह क्या है, पायला। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं, किसके बारे में, पायला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये पायला जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें हल स्लग जो स्लग की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से इनमें क्या पाया जाता है, स्लग भी इस गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है और यह कैसा होता है, लसलसा जो पदार्थ स्त्रावित करता है जिसके द्वारा इन जीवों में क्या होती है, गति होती है। जबकि पायला के शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है और जीव इसमें अलग से होता है। तो गैस्ट्रोपोडा जिनमें गमन के लिए पाद पाए जाते हैं, एग्जाम्पल क्या बताया हमने, पायला और स्लग, लाइनेक्स भी से कहा जाता है। इसी प्रकार का जो तीसरा वर्ग है जिसे हमने कहा सिफेनोपोडा, और सिफेनोपोडा के अंदर जो एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर हमने भी जाना कि इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसमें एग्जाम्पल आता है कटलफिश, ऑक्टोपस, नॉक्टिलुगा और लोलिगो। इन सभी जीवों के अंतर्गत बहुत ही अच्छा यहां से केवल जो प्रश्न पुटअप होता है इस वर्ग में से, वह एक ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा वर्ग है, मोलस्का संघ का वह कौन सा वर्ग है जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र, कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कटलफिश में, ऑक्टोपस में, नॉक्टिलुका में और लोलिगो में, जबकि मोलस्का संघ के सभी जंतुओं के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकमात्र यही एक वर्ग होता है जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसके वर्ग को भी पूछा जा सकता है या इसके एग्जाम्पल को देकर भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि निम्न में से खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल दे दिया जाए जिसमें दे दिया पहला ऑप्शन बी, स्लैब, ऑप्शन सी इसमें दे दिया जाए जैसे हमने कहा काइटन,
और ऑप्शन डी जिसके अंदर दे दिया जाए कटल फिश। तो इन सभी जीवों में जैसे कि हम बात कर पा रहे हैं कि इन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र होता है जबकि कटल फिश में बंद परिसंचरण तो होता है। ये सभी जीव किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पुट अप किया जा सकता है। अगला जो वर्ग है जिसके अंतर्गत हम बात कर पाते हैं, अगला जो उसमें वर्ग आता है वो है आपके बायवाल्विय। और बायवाल्विय जो वर्ग है उसमें जो एग्जांपल दिया गया है वो आपके है यूनियो माइटिलस पिंकटेरा। ठीक है, प्रलाइस्टर आपने देखा होगा कि जो माइटिलस है या पिंकटेरा है उससे मोती प्राप्त किए जाते हैं, तो इसे मोती वर्ग भी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आता है? बायवाल्विय आता है। और अंतिम जो वर्ग है इसमें वो हमने कहा स्केपोपोडा, इसके अंतर्गत क्या आता है? काइटन, काइटन कवच के रूप में यह पाए जाते हैं स्केपोपोडा काइटन। हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं टाइला है, हेलिक्स है, लाइनेक्स है, डेंटेलियम है, माइटिलस जिसके अंदर हमने बात की बायवाल्विय के अंतर्गत आता है, ऑक्टोपस है जो सिफिलोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है जिनमें खुला परिसंचरण बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यूनियो है जो बायवाल्विय में आता है, और काइटन है स्केपोपोडा में आता है। यह है मोलस्का संघ के क्या है कुछ डायग्राम है जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि जीव किन किन वर्गों में उपस्थित होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर और संरचना कैसी होती है।